फिर वो जो नया लड़का है टोपी पहना, वो जो अपना इसमें है, वो जो एक लड़की और वो जो अपने इसमें ये इंडियन आइडल में है, उसने राज कपूर का जो गाना गाया वो रणधीर कपूर की उपस्थिति में यूट्यूब पे आता है, मैं वो बहुत बार अभी आते हुए भी सुन रहा था। सिंगिंग की दुनिया में अपने पहाड़ी आवाज का जादू चलाने वाले सिंगर पवनदीप राजन अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पवनदीप राजन जब भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो सभी झूम उठते हैं, उनके चाहने वाले उन्हें रॉकस्टार कहते हैं। पवनदीप राजन सिर्फ सिंगिंग को लेकर ही नहीं बल्कि अर्मिता कांजीलाल संग लिंकअप की खबरों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप राजन ने अपनी सिंगिंग के अलावा इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए भी पॉपुलर थे। वे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर अपनी परफॉर्मेंस देते दिख चुके हैं। पवनदीप राजन ने तबला, गिटार, पियानो, ड्रम जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स पर अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था। अब पवनदीप राजन ने बॉलीवुड में एंट्री की है, सिंगर के साथ साथ वह म्यूजिक कंपोजर भी बन गए हैं। वहीं पवनदीप की फैन लिस्ट काफी बड़ी है, देश के बड़े बड़े सेलेब्स उनके सिंगिंग के फैन हैं। वहीं अब पवनदीप राजन की तारीफ देश के केंद्रीय मंत्री ने की है, उन्होंने साफ साफ बताया कि वो पवनदीप के गाने को पसंद करते हैं। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पवनदीप राजन की तारीफ की है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो संगीत के दीवाने हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक लड़का है टोपी पहनता है, उसका गाना मुझे बहुत पसंद है, वो इंडियन आइडल में दिखा था, उसके साथ एक लड़की भी थी जिससे उसको जोड़ा गया था, उसने राज कपूर साहब का सॉन्ग गाया था जब रणधीर कपूर मौजूद थे, मैं अभी भी यूट्यूब पर सुनता हूँ, कमाल का गाता है वो लड़का, उसने कुमार सानू का भी गाना गाया है तो मैं ये सब सुनता हूँ, मुझे संगीत से प्यार है। आपको बता दें पवनदीप राजन के फैन सिर्फ बॉलीवुड के सेलेब्स ही नहीं बल्कि राजनेता और क्रिकेटर भी हैं। धाकर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी पवनदीप के बड़े फैन हैं, उनको उनकी सिंगिंग बहुत पसंद है। सहवाग ने कहा, पवनदीप जब इंस्ट्रूमेंट बजाकर परफॉर्मेंस देते हैं तो दिल गदगद हो जाता है, उसने बहुत से पुराने गाने पर परफॉर्म किया है, मुझे उनके गाने का अंदाज बहुत पसंद है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको बता दूं पवनदीप राजन के फैन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कई बार पवनदीप से मुलाकात की। उनका मानना है कि पवनदीप राजन ने अपनी सिंगिंग से उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, पवनदीप राजन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वहीं पवनदीप राजन और अर्मिता कांजीलाल जब सुपरस्टार सिंगर 3 में साथ नजर आ रहे हैं, दोनों को टीवी पर एक बार फिर से साथ देखकर उनके फैंस खुश हैं। इसके साथ ही दोनों अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में बिजी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहें मियाउल्फ को, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।